तो प्यारे स्टूडेंट, आज एक दूसरा थ्योरम कर लेते हैं ग्रुप थ्योरी में। तो देखिए, आप ये थ्योरम का स्टेटमेंट हमारे पास है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप एंड G1, G2 बी एनी टू एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, देन प्रूव दैट देन द ऑर्डर ऑफ G1, G2 इज द सेम एज द ऑर्डर ऑफ G2, G1। हमने ये प्रूव करना है कि किसी भी ग्रुप में अगर आप दो एलिमेंट्स ले लें तो G1 और G2 का ऑर्डर और G2 और G1 का ऑर्डर हमारे पास इक्वल आएगा। देखिए, आप ये प्रूफ में जाते हैं। सिंस सिंस जी इज अ ग्रुप, एंड G1, G2 बी एनी टू एलिमेंट ऑफ G, सो G1, G2 आल्सो बिलोंग टू G, क्योंकि G हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है। आल्सो G2, G1 आल्सो बिलोंग टू G, क्योंकि G हमारे पास क्या है, ग्रुप। सेंस G इज अ ग्रुप, ठीक है। G हमारे पास ग्रुप है, सो G1, G2 ये भी G में बिलोंग करेगा, और G2, G1 ये भी हमारे पास G में बिलोंग करेगा। आल्सो देखिए यहाँ पे, सिंस G1 हमारे पास G का एलिमेंट्स है, तो इसका इनवर्स भी G में होगा। G2 भी हमारे पास G का एलिमेंट है, सो इसका इनवर्स भी हमारे पास G में होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास G एक ग्रुप है, ठीक है। अगर G ग्रुप है तो हर एलिमेंट का इनवर्स इसी ग्रुप में होगा। क्लियर? तो देखिए, यहां पे हमने प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ G1। वी प्रूव दैट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। वी प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ G1, G2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G2, G1। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। मींस ऑर्डर ऑफ, ये हमने प्रूव करना है ऑर्डर ऑफ G1, G2 इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G2, G1। चलिए कि यहाँ पे मैंने सपोज किया, लेट ऑर्डर ऑफ G1, G2 से दिस इज n, एंड ऑर्डर ऑफ G2, G1 से दिस इज m, ठीक है। हमने ये सपोज किया कि लेट ऑर्डर ऑफ दिस वन इज n एंड ऑर्डर ऑफ G2, G1 इज n। सो वी नीड टू शो दैट n इज इक्वल टू m। हमने ये प्रूव करना है कि n जो है वो बराबर होगा m का। तो देखिए यहाँ पे, सिंस ये हमने सपोज किया ऑर्डर ऑफ G1, G2 एज n, सो बाय डिफिनीशन ऑफ ऑर्डर n will be the least positive integer, n will be the least positive integer such that n will be the least positive integer such that G1, G2 whole n is equal to आइडेंटिटी, ठीक है। ये डिफिनेशन मैंने यूज की। अब देखिए यहां पे, G1, G2 होल पावर n, इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह, G1, G2
जी वन जी टू, जी वन जी टू एंड सो ऑन टू जी वन जी टू एज आइडेंटिटी। देखिए आप, ये हमारे पास है एन टर्म्स, ठीक है। अब वो देखिए यहाँ पे, यहाँ से मैंने जी वन को निकाला तो वहाँ पे मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की, क्योंकि ग्रुप में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ से आ जाएगा जी वन जी टू जी वन एन टू जी टू इज आइडेंटिटी। देखिए यहाँ पे, अब ये कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा एन माइनस वन टर्म, ठीक है। अब जी इनवर्स को दोनों साइड्स पे प्री मल्टीप्लाई करें, सो प्री मल्टीप्लाइंग जी वन इनवर्स ऑन बोथ साइड, तो देखिए आप पे यहां पे आ जाएगा जी वन इंटू जी इनवर्स, सो मीन जी वन इनवर्स इंटू जी वन इंटू जी टू जी वन, जी टू जी वन एंड सो ऑन जी टू जी वन, ये हमारे पास है इन माइनस वन टर्म्स, ठीक है। इन टू जी टू इज इक्वल टू जी वन इनवर्स इन टू आइडेंटिटी, क्लियर। देखिए आप, यहां पे आ जाएगा आइडेंटिटी जी टू जी वन जी टू जी वन एंड सो ऑन जी टू जी वन जी टू एज ओ जी इनवर्स, क्लियर। अगेन अब पोस्ट मल्टीप्लाई करें, पोस्ट मल्टीप्लाइंग जी वन ऑन बोथ साइड, तो देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी है तो आ जाएगा हमारे पास ये एंड सो ऑन जी टू जी वन, क्लियर इज इक्वल टू जी वन एंड जी वन। तो देखिए यहाँ पे ये तो था हमारे पास इन माइनस वन टर्म, अब ये साथ मिलाए तो हमारे पास आ जाएगा इन टर्म। तो देखिए यहाँ पे जी टू जी वन जी टू जी वन एंड सो ऑन जी टू जी वन एज दिस इज आइडेंटिटी। तो देखिए यहाँ पे अब ये आ गए एन टर्म, तो इसका पावर आ जाएगा जी टू जी वन होल पावर एन एज अ आइडेंटिटी। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने सपोज किया था कि ऑर्डर ऑफ बट ऑर्डर ऑफ जी टू जी वन एज अ ये हमने सपोज किया था, सॉरी यहाँ पे एम ये हमने सपोज किया था और हमारे पास आ गया ऑर्डर ऑफ जी टू जी वन इज इन। इसका मतलब ये आ गया कि ये जो है ना ये सबसे लीस्ट ये है, ठीक है। बट ऑर्डर ऑफ जी टू जी वन इज इन, सो बाय डिफिनीशन ऑफ डिविजिबिलिटी एम डिवाइड्स एस, दिस इज वन, ठीक है। अब हम ये लेंगे जी टू जी वन होल पावर एम, इससे हमारे पास एक दूसरा कंडीशन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे, अच्छा देखिए यहाँ पे, अब ले ले जी टू जी वन ऑर्डर, ये हमने सपोज किया था, सो बाय डिफिनीशन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एम विल बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर और सच डेट, ये हमने सपोज किया था, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं इसी तरह g2g1 एंड सो ऑन g2g1 इज e, ये हमारे पास है m टर्म्स, ठीक है। ये हमने सपोज किया था इससे पहले कि लेट ऑर्डर ऑफ g2g1 इज ओ फॉर एग्जांपल m, so by definition of order of element m will be the least positive integer such that this condition satisfied। अब वो यहाँ से मैंने जी टू निकाला और अगेन वही प्रॉपर्टी यूज की जी वन जी टू
जी वन जी टू, तो देखिए यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा जी वन जी टू, और यहाँ से मैंने निकाला जी वन, तो देखिए यहाँ पे ये अगेन आ गए एम माइनस वन था, ठीक है। अब वो प्री मल्टीप्लाई करें सेम प्रोसेस जो अभी मैंने किया, प्री मल्टीप्लाइंग जी टू इनवर्स ऑन बोथ साइड, देखिए यहाँ पे जी टू इनवर्स जी टू, और यहाँ पे आ जाएगा जी वन जी टू, जी वन जी टू एंड सो ऑन, जी वन जी टू इंटू जी वन, ठीक है। एजो जी टू इनवर्स इज आइडेंटिटी, क्लियर। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा आइडेंटिटी, और यहाँ पे आ जाएगा जी वन जी टू, जी वन जी टू एंड सो ऑन, जी वन जी टू एंड टू जी वन इज जी टू इनवर्स, क्लियर। अब वो पोस्ट मल्टीप्लाई करें जी टू ऑन बोथ साइड, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा जी वन जी टू, जी वन जी टू एंड सो ऑन, जी वन जी टू, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करें सो जी वन जी टू इज इक्वल टू जी टू इनवर्स एंड जी टू, क्लियर। देखिए यहाँ पे यह तो था एम माइनस वन, और ये आ गया, तो इस ये आ गया एम टर्म्स, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अब आ गया एम टर्म्स, क्लियर। और यहाँ से आ जाएगा आइडेंटिटी, तो देखिए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं जी वन जी टू होल पावर एम एस ई, बट लेकिन ऑर्डर ऑफ जी वन जी टू हमारे पास है एन, जो कि हमने सपोज किया था, सो एन विल बी द लीस्ट, सो एन डिवाइड एन। अब वो हमारे पास फर्स्ट नंबर है एम डिवाइड एन, और यहाँ पे सेकंड आ गया एन डिवाइड एम, इन दोनों को कंबाइन करें बाय इस थ्योरम पे नंबर थ्योरी का, इफ ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए, देन ए विल बी इक्वल टू प्लस माइनस बी, देखिए यहाँ पे एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एम, लेकिन एन और एम हमारे पास पॉजिटिव है क्योंकि ये दोनों ऑर्डर्स है, ऑर्डर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, सो एन इज द इक्वल टू एम, बट एन इज द ऑर्डर ऑफ जी वन एंड जी टू, एंड एम विल इज द ऑर्डर ऑफ जी टू जी वन। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि जी वन जी टू का ऑर्डर वो हमेशा इक्वल आएगा जी टू जी वन का ऑर्डर। देखिए यहाँ पे अब वो एक दूसरा थ्योरम भी कर लेते हैं इस पे,